19वीं सदी के आखिर तक अंग्रेजी हुकूमत के पांव जम चुके थे हिंदुस्तान में और अब वक्त था चलने फिरने का। 20वीं सदी के शुरू होते होते गांव, कस्बा और शहर फैलना शुरू हो गए थे। सनती इनकलाब का आगाज हो चुका था। रेलों की पटरियां लंबी होती जा रही थीं और कोल तार की पक्की सड़कें शहरों से गांव-गांव ऐसे जोड़ती जा रही थीं जैसे बूढ़ी दादी पुराने कपड़ों की टाकियां जोड़ जोड़ के लिहाफ तैयार करती। लखनऊ से निकलती हुई एक सड़क ने बख्शी का तालाब और खदार यूं घेर लिए थे जैसे एक ही बगल में दो बच्चे उठा लिए। बल्हौर, मल्हौर और जगौर जरा दूर खेल रहे थे। एक सड़क धीरे धीरे चिमटी की चाल से राय साहब के कस्बे समेरी की तरफ बढ़ रही थी और वहां पहुंची तो उंगलियां आसपास के गांव भी समेट ली। उन्हीं में होरी का गांव बेलारी भी पड़ता था। राय साहब वहां के जमींदार थे और होरी ले हीरा मोती तो खा रहा पहले से ले खा ले ले खा बेटा खा खा बच्चा खा लाओ निकाल दो जी कपड़ा लत्ता लाठी हाजरी भरने जाएंगे मालिक के यहाँ। अरे क्या जरूरत है, परसों ही तो गए थे। अरे भली मानस, मिलने जुलने से ही बात ठीक रहती। गांव के लोग भी इज्जत से बात कर लेते हैं, वरना कौन है गांव में जिसकी अभी तक कुर्की ना हुई हो। अरे खेत जोते हैं जमींदार की तो लगान ले ले, और क्या जान लेगा क्या। ज्यादा बुड़बुड़ ना किया कर, मैं हूं ना, मुझे संभालने दे दुनियादारी। तू अपनी घर गृहस्थी संभाल और बच्चे बस बहुत। लो। अरे ये क्या पांच पोशाक ले आई, हम क्या ससुराल जा रहे हैं और वहां भी कोई साली सैलज कहाँ है जो रीत जाएगी। हाँ होगी भी तो क्या, ऐसे कौन से सजीले नौजवान हो अब। हाँ वो तो हम ही थे जो। तुझे क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मर्द साठे पे पाठा होता है। तुम्हारे जैसा नहीं, वो तो जो सुबह शाम घी खावे मक्खन खावे दूध पीवे तो जान बने हैं। शकल देखी अपनी शीशे में, तू देख लेना एक दिन गाय ला के खड़ी कर दूंगा तेरे दरवाजे पे। ब्याह के लाया था तुझे तो वचन दिया था मैंने। अपना गोबर भी तरस गया दही दूध को, अब गाय आ जाएगी तो देखना खा पी के एकदम जवान हो जाएगा मेरा बच्चा। कहाँ चल दिए बापू? फिर वहीं हवेली पे। इन बड़े लोगों के पांव पड़ के कोई फायदा नहीं बापू, अपनी जूती का कीचड़ समझते हैं हमको, घर के बाहर झटक के अंदर जाते हैं। तेरा दिमाग बहुत गर्म है बेटा, बहुत वो लाल बोंटे वालों की तरह बात करने लगा ही है। तो माथा ठंडा रख, तेरे साथ सोना रूपा को भेजा था ओक गोड़ने के लिए खेत में, कहाँ है?
उन्हें पानी लेने भेजा है मैंने। रूपा को वो मटकी देख माँ मैं ले आई मैं ले आई राम राम भाई राम 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 हरि भैया कैसे हो? बस मजे में। वही वही हो गया हो गया हीरा क्यों उठकर चला है? बड़ा भाई आ रहा है ना होरी, उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। अरे राम राम होरी भैया। राम 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 राम। अरे कहाँ चल दिए होरी भैया? अतः राय साहब बुलाए। अच्छा अच्छा भैया क्या कर रहे हैं? हाँ मस्त है। हमारा मान सम्मान होता है जमींदार साहब के यहाँ तो है भैया। आदमी है ईमानदार, ऊपर से मेहनती। अरे बाप के मरते ही दोनों भाई तो अलग हो गए, अपने अपने हिस्से की जमीन लेकर, और जो सबसे नखी जमीन थी वो उसको 5 बीघा होगी। पर देख लो 5 बीघा में 12 बीघा की फसल पैदा करता है थोड़ी, इसीलिए तो भाइयों की हिम्मत नहीं होती आँख मिलाने की। देखा ना कैसे आँख चुरा के भाग गया। थोड़ी मिट्टी में बीज नहीं जान बोता है। सही कहा। सही बात है एकदम सही। बस बस अब मत मरियो। अरे होरी भैया। राम राम। राम राम भोला भैया। सुमेरी गांव जा रहे हैं का? अरे नहीं, यहाँ हवेली तक ही जाते हैं। अच्छा अच्छा। सुने हैं दुइठो नई गैया खरीदी है? अरे बाजार बहुत चढ़ गया है समझे ना। 80-80 रुपए के लिए। पर दुइठो बछड़िया भी तो मिली है साथ में। अब तो खर्चा बढ़ गया, अब तुम्हारी बताओ माँ से बचवा को कैसे अलग करें? ना, ना उनका भी तो हिस्सा होता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब गाहक है कि रुपए का 8 शेर दूध मांगता है। पर ये भैया कबरी गाय तो बहुत ही सुंदर है। हाँ। भैया हेलो पकड़ा चरावा हम आप चलो हो रही भैया। जी करता है तो ले लो, जितने में ली है उतने में दे देंगे हैं? और रही बात बछड़ियों की तो हम पाल लेंगे ना। पर भोला भैया नकदी तो हमारे पास है ही नहीं। अरे तुमसे नकदी मांगता कौन है भाई? तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे हम तुम दो हो ना। अब तुमसे का बताऊं भैया, सुंदर सी गाय देखी तो मन ललचाए गया। जितना रुपया घर में पड़ा था सब बाजार में रख दिए। अब इतने गाय बछिया को क्या खिलाऊं, घर में चुटकी भर भी भूसा नहीं बचा। तुम तो जानते हो 10-15 गाय बछिया ऐसे ही बधी रहती है। अरे तो हमसे काहे नहीं कहा? कहा अभी गए रोज हमने एक गाड़ी भर के भूसा यूं बेच दिए। लो अब सबसे अपना दुखड़ा का रूं भाई। अरे सुनो तुम चाहो तो गाय ले लो, हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो, फिर बाद में धीरे धीरे आते रहेंगे। ए पहलवान चलो बढ़ाओ भाई। क्या कहते हो? नकदी तो हमारे पास है ही नहीं भैया। हाँ थोड़ा बहुत भूसा पड़ा है सो आगे उठा लो। अब भूसे के लिए हम गैया ले लें तो हमारे हाथ ना कट जाएंगे का? और कौनों का जलता घर देख के हाथ सेकना तो हमने सीखा नहीं है भैया। और तुम्हारी भाभी जो ताने देंगी सो अलग। बड़े खुशकिस्मत हो भैया। हाँ राज रानी बैठी है घर संभालने को। हाँ हमारा तो जब से जोरू गई है घर बार एकदम टूट गया है। बेटी बहुओं के मोहताज बन गए आप। बिन घरनी घर भूत का डेरा भैया।
पे भोला भैया, तुम कहीं सगाई काहे नहीं ठीक करत हो? भगवान की दया से सब कुछ है तुम्हारे पास। लो अब उम्र में अब हम कहां से खोजे भैया। वैसे दो चार जगह बात चली थी लेकिन तो ठीक है, हम खोज में रहेंगे। का है कि हमारे ससुराल में एक औरत है। अच्छा। 3-4 साल हुए जने क्यों उसका आदमी छोड़ के उसे कलकत्ता जा बैठा है। फिर बेचारी पिसाई करके दिन काट रही है। वैसे देखने सुनने में भी बहुत अच्छी है। सुनो, जब तुम्हारी खुशी हो बता देना, एक बार चल के देख हमें ना। हम पहले ठीक कर लूँ। कहा है कि ऐसे कामों में जल्दबाजी करना अच्छा नहीं होता भैया। वो तो है, लेकिन वो बात भूलना नहीं। कैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग तो तुम ही हो। वैसे फरी भैया, कबरी गाय समझ लो आज से तुम्हारी हुई। जिस दिन कहोगे खुद आके तुम्हारे घर के खूंटे से बांध के जाऊंगा। अरे भोला भैया, तुम आके पहले भूसा उठाए लो। हाँ, कहिया तो जब देवी माँ का आशीर्वाद होगा तो घर आई है। अच्छा भैया, चलत है। हरी भैया, बात भूलना नहीं। कौन सी भोला भाई? लो, अरे वही बिन घर नी घर भूत का तेरा। अरे ना, वो कैसे भूल सकता है। अच्छा भैया, राम राम। पाय लागल जयत्रा। शोभा, अरे शोभा यहाँ का करत रहा? तुम्हारा छोटा भाई है ना? हाँ, हीरा से बड़ा है, पर यहाँ का करने आया था। सरकार से मिलने आया था, पर सरकार ने कहा किसी और दिन कचहरी में आके मिलना, अभी बहुत व्यस्त है ना। क्या कर रहे हैं मालिक? पता नहीं, कुछ लिख पढ़ रहे हैं। तुम चले जाओ। हाँ। पायलान सरकार आओ हो रही। आओ, हमारे एक चचा हैं, पढ़ लेते हो री? अरे सरकार, बस ऐसे ही आखर आखर जोड़त पढ़ लेते हैं। हमारे एक चचा हैं जिनको राम से बड़ी अकीदत है। फारसी में रामायण का तर्जुमा कर रहे हैं। कुछ किताबें मंगवाई हैं, वही निशान लगा कर भेज रहा हूँ उन्हें। अब आज़ादी के आंदोलन से फुर्सत मिले तो हम भी कुछ विद्या पाठ का काम करें। सरकार, सरकार सुनत हैं कि आप वो काउंसल साहब की मेम्बरी छोड़ कर जेल चले गए थे। गांधी बाबा आपको बहुत मानत। कौन लोग बताते हैं? अरे गांव में सभी लोग कहते हैं, बहुत इज्जत से नाम देते हैं आप। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि गांधी बाबा आपको बहुत ही मानत। हाँ भाई, वो ठहरे महात्मा। कभी कोई सियासत की बात निकल आए, कोई काम निकल आए तो पूछ लेते हैं हम सब। अरे सरकार। दीवान जी। जी मालिक। होरी आया बेलारी से, बड़े काम करता है हमारे, इसे छाछ पानी कुछ पूछिए। जी अच्छा। होरी, मैं जरा चलता हूँ, तुम शरबत पानी कुछ पी कर जाना। जी, हम भी चलें सरकार, फिर हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, आना कभी। बाय। बापू, ये सोना महंगा होता है कि चांदी? महंगा नहीं, पूछो सोना बड़ी के रूपा।
रूपा यानी चांदी। बड़ा नहीं बापू, दाम किसके बड़े? दाम नहीं, उम्र पूछो किसकी बड़ी। उम्र नहीं ना बापू, सोना कहती है कि उसका नाम बड़ा है और मेरा छोटा। बोलो ना बापू। अरे अरे अरे, बाल क्यों खींच रही है बापू के? बोलते नहीं, बोलो ना। देख मैं बताती हूँ, जिसको पहले जल्दी ससुराल जाना हो ना, वो होए बड़ा। अब बोल, जाएगी पहले? क्या हुआ राय साहब के उधर बापू? अरे होना क्या था, कुछ नहीं हुआ, बस हाजिरी लगवाया है। मुफ्त की हाजिरी लगवा के क्या मिलता है तुमको? देखो इस बारे में सवेरे भी हमारी चर्चा हो चुकी है, और तुम हाथ मुंह धोने से पहले थोड़ा भूसा निकाल के डाल दो बोला के लिए, बड़ी जरूरत है। अब बेचने को भूसा नहीं है हमारे पास, हमारे बैलों को मुश्किल से पूरा पड़ेगा। बेच नहीं रहा हूँ भैया, यूं ही दे रहा हूँ। बड़े संकट में है वो आजकल, नई गाय खरीदने के लिए सारे पैसे उठा दिए हैं। तो गाय दे दे हमको, ये क्या भूसा हमारा और गाय उसकी? आंख आंजने तक तो दूध दिया नहीं आज तक, गाय क्या देगा? अरे हाँ। जवानी कसम, उसने तो गाय थमा दी थी मुझे, पछे ही गाय की रस्सी थमा दी मेरे हाथ में। अब मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय लूंगा तो पाप लगेगा, इसलिए मैंने कह दिया कि जब पैसे आ जाएंगे तो ले लूंगा, फिर थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा। और भूसा मुफ्त में, 20 रुपए का भूसा ले लें और गाय दे दे, बाकी बचे 60 हम धीरे धीरे चुका देंगे, क्यों माँ? हाँ हाँ, और का, ये तुम्हारा धर्मात्मापन तुमको ले डूबेगा। अरे तुम लोग नहीं जानते, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय यूं हाथ में आ जाएगी। अच्छा मैं भी तो सुनूं। भोला की जोरू को मरे 2 साल हो गए, धन बहुत है, वो फिर से ब्याह करने को फिर रहा है, उसका ब्याह पक्का करना है बस। तो अब तुम उसका ब्याह ठीक करते फिरोगे, यही एक काम रह गया था। अरे मेरी तदबीर किसी का घर बस जाए तो इसमें क्या बुराई है भाई? अजी 80 में गाय देकर भी घर भोला का ही बसना है, तुम्हारा नहीं। बड़े गमखोर हैं भोला, तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं, कहने लगे जिस दिन मुख देख लेता हूँ कुछ ना कुछ हाथ लगी जाता है। मैंने कहा हमारी तो कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तो तुम्हारे भागी खोटे, हम तो रोज तुम्हें मुंह दिखावे। बापू बापू आए हैं भोला काका। बापू सुनो ना, पहले मन तो मन भूसा दे दो, फिर ब्याह ढूंढने निकलना है। अरे आदमी दुआरे खड़ा है, जाओ जाके उसके लिए खाट बाट बिछाओ, थोड़ी भलमनसी सीखो, कुछ शरबत पानी पूछो, चल जा। धूप गांव में आए हैं ना, थोड़ा तंबाकू देखो डिब्बे में है तो नहीं है, तो एक पैसे भर का मंगाए लेते हैं सठनिया की दुकान से, गोबर से बचे तब ना। अरे नहीं है तंबाकू तो ना सही, भोला कौनो मेहमान थोड़े ही। अच्छा कौनो न्योता दिया है तुमने? राम राम भोला भैया। राम राम होरी भैया। एक बात बताए होरी भैया। कहो। अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। लोग पर लोग सब सुधर गया। अब बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं तुम्हारे। हाँ बस सब भगवान की कृपा है। वो गोबर भर रहा है तुम्हारा खांचा। एक बात बताएं, एक खांचा नहीं दो ही खांचा लूंगा मैं, गया और आया। ना ना तुम काहे आओगे, गोबर चला जाएगा वहाँ छोड़ के लौट आएगा। अरे नहीं तब खोरी भैया,
तुम बहुत बड़े धर्मात्मा। हाँ। बस जरा कह के आता हूँ। हाँ, खोई नहीं लो ना, ठीक है बस। अच्छा एक एक मन के दुई खांचे मांग रहे हैं, अब तू ही मन भूसा तो गया, और जो गोबर की सुननी पड़ेगी सो अलग। कोई फूल पात लेने तो आई नहीं जो टुकरिया लेकर आवे, दे रहे हो ना तीन खांचे भूसा दे, का पता गैया की बात बन जाए। जीते जी अपने दरवाजे पर गैया तो बंदी देख लूं एक बार। ये ठीक है, बाप बेटा दोनों चले जाएंगे, घर तक की पहुंचा के आएंगे। क्या बताएं जी, समझे भैया, सारी गृहस्थी का जंजाल हमरे से। गाय भैंस को चारा मैं ही दूं, धोऊं भी मैं, हाट लेके मैं ही जाऊं। और दोनों बेटे क्या करते हैं? क्या करेंगे, बड़का है कामता, सौदा लेके हाट में भेजो तो आधे पैसे गाय। अरे जुए चरस की लत लग गई है ना। और छुटका? छुटका तो संगीत में मतवाला रहता है, सांझ हुई नहीं कि ढोल मजीरा लेके बैठ जाएगा, आठों पहर उसी धुन में, क्या करें। अरे गोबर। हाँ बापू। बिठवा जरा जोर से पैर मार, बस पहुंच ही रहे हैं। हाँ हाँ बस, तो समझे ना हुरे भैया, अब ले दे के कि बिटिया है झुनिया, वो भी नसीब की खोटी। अरे तुम तो आए हो ना उसकी सगाई में। अरे हाँ भैया। गोबर काका, बेटा तूने जुनिया को देखा है ना? हाँ काका। हाँ हाँ, इतना अच्छा वर था, बम्बई में दूध का दुकान करता था। अरे दंगा फसाद में किसी ने छुरा भोग दिया, अरे सारा घर चौपट हो गया। और बिटिया? बिटिया ससुराल में उसका अनादर देखा समझे, तुम ले आए अपने घर। बहुत अच्छा किया भैया। अब वही देखना है क्या करें उसका। ये, ये। आजा बेटा। हाँ काका। आओ हरि भैया। अरे झुनिया जी। अरे बाहर आ बेटा, तेरा ये भूसे को हाथ लगा बेटा, इधर 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 संभाल के। आ हरि भैया। अरे बेटा जरा खटिया तो बिछा, आ खटिया रहने दे, जरा गोबर का भूसा उतार। आओ हरि भैया। अरे झुनिया बेटा एक बाल्टी ताजा पानी तो भर ला कुएं से। अरे बापू मैं वही कुआं पे हाथ पांव धो लेता हूँ ना, कहाँ पानी भरती फिरेगी बेचारी। हाँ हाँ जा बेटू जा। आ बैठो, बहुत अच्छी हवा बह रही है, तंबाकू बनाए? हाँ हाँ कहा बैठो बना लिया।